समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने जनेश्वर मिश्रा पार्क पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने सत्ताधारी बीजेपी पर महंगाई, बेरोजगारी, मेडिकल सेवाओं को लेकर हमलावर रहे, साथ ही भाजपा कार्यकारिणी की बैठक को लेकर तमाम प्रकार की नाकामी गिनाई। वहीं उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। भारतीय जनता पार्टी दिन गिनने लगी है। याद कीजिए, दिल्ली में इनका नेतृत्व बैठा, उसने कहा कि अब 400 दिन बाकी हैं, और मैं आज कहना चाहता हूं, जब इनकी प्रदेश कार्यकारिणी बैठी है तो 398 डेज बचे हैं। इस प्रदेश की जनता ने इनका हाल और इनका काम देखा है। मुझे तो ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का 2022 अभी गया नहीं है। अगर 2022 चला गया होता तो आज किसान की आय दोगुनी होती, किसान के गन्ने का भुगतान हो जाता, बिजली का इतना महंगा बिल नहीं देना पड़ता, कीटनाशक दवाइयां इतनी महंगी न होती, खाद से लेकर के डीएपी का कोई इंतजाम सरकार ने नहीं किया।